डिस्क्लेमर माफ़ी चाहता हूँ मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि दो दिन से थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रखी है। बैंगलोर में थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है तो इसी वजह से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, और जो मेरी ड्यूटी है उसमें मैं जब रात को जब वापस आ रहा था ऑफिस से तो मैं भीग गया, तो शायद उस वजह से मेरी ज़ुकाम और गला ख़राब हो गया, तो उस चीज़ को लेकर के आई एम सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करने की अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। ऑल राइट, तो मैं टेबल यहाँ पे ले आया हूँ, थोड़ी सी चीज़ें लेकर के आके रख दी है मैंने, ताकि मैं कुछ चीज़ें आपसे आपको दिखाना चाहता हूँ और सॉर्ट ऑफ अपडेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, ट्रेन विद पवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ पवन और मैं ट्रेनिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, फिटनेस लाइफस्टाइल व्लॉगिंग वीडियोज़, फिटनेस टिप्स के साथ वीडियोस बनाता हूं और अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूं, जो मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, तो लास्ट वीडियो आते आते ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है, तो अभी वीडियो आई नहीं है, तो क्या अपडेट है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और जो हमारी नई ट्रेनिंग है, एडवांस लेवल लीन मसल गेनिंग प्रोग्राम, जो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, सितंबर का मंथ भी कंप्लीट होने वाला है और अभी तक कहां तक पहुंचे हैं हम, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्विकली बताता हूं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता। जो मेन पार्ट होगा वो हमारा ट्रेनिंग का होगा, क्योंकि आज हम जब जिम जाएंगे हम ट्रेन करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। तो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम ट्रेन करने वाले हैं, तो वो मैं आपको फटाफट लेकर के चलूँगा। उससे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आपने जैसे मुझे देखा भी, मैं किचन में जब अपना प्रोटीन शेक रेडी कर रहा था, मतलब डाल रहा था शेकर के अंदर, तो मैंने इस पॉलीथीन से प्रोटीन निकाला। क्यों, रीज़न क्या है? फर्स्ट, ये किसी से मैंने बोरो किया है, मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे प्रोटीन दिया, और जो बंदा प्रोटीन दे रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब आदमी एक टाइम को ब्लड मांग ले वो दे देंगे, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में ये प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़। तो थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, फॉर हेल्पिंग मी आउट। ये दो दिन का स्टैक आपने मुझे दिया था, दो स्कूप्स दिए थे, क्योंकि मेरा जो प्रोटीन है ऑलरेडी ख़त्म हो गया। मैं यूज़ कर रहा था वन साइंस न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन और वो ख़त्म हो गया, 76 सर्विंग्स थी उसकी, इट वॉज रियली गुड प्रोटीन। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया उसके साथ, मैंने साइकोटिक का मेरा प्री वर्कआउट किया है और नाउ न्यूट्रिशंस का मैंने ओमेगा 3 मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो वो आने में थोड़ी डिले हो रही है, दिल्ली से आ रहा चल करके वो, तो इसीलिए प्रोटीन मुझे लेना पड़ा। तो नेवरदलेस थोड़ा सा अब रह गया, ये आज यूज़ करेंगे, और अगर नहीं हो पाया, मतलब मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता, तो अंडे चिकन तो चल ही रहे, लेकिन उसके साथ में एक दो जो छोटा वाला जो अगर प्रोटीन मिलता है तो मैं उसको ले लूँगा। साथ ही में सप्लीमेंटेशन की बात करें तो मैंने अपने सप्लीमेंट स्टैक में एक छोटा सा डाइटरी सप्लीमेंट को ऐड किया है, विच इज़ मिल्क थिसल। तो ये है हमारा प्योर न्यूट्रिशन नेचुरल्स कंपनी का मिल्क थिसल, आप देख लीजिए, दिस इज हाउ इट लुक्स, और इसके अंदर है 60 टैबलेट्स। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मिल्क थिसल? बहुत लोगों को लगता है, मुझे भी इवन लगता था स्टार्टिंग में, मिल्क थिसल सुनने में तो मिल्क प्रोडक्ट लग रहा है, मिल्क से बना हुआ शायद, बट नहीं, मिल्क थिसल इज अ हर्ब, एक ऐसा हर्ब है जो कि हर जगह आपको मिल जाएगा। कोई है नहीं घर पे, ये हवा से हो रहा है, ठीक है, हवा पास हो रही है इसीलिए भूत नहीं है घर पे। तो ओके, वन सेकंड, ऑलराइट, हवा चल रही है। तो मिल्क थिसल एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा हर्ब है जो कि आपको कहीं भी मिलता होगा, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर लिवर डिटॉक्स। तो कोई अपने मेडिकेशंस पे है, मेडिकेशंस की वजह से लिवर पे अफेक्ट हो रहा है किसी को जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा के रखा है, आदतें गंदी कर रखी हैं, ये लेना ज़रूरी है, ठीक है, ये लीजिए, आपके लिवर को हेल्दी रखेगा ये, तभी इसका नाम पूरा है मिल्क थिसल लीवर डिटॉक्स। क्योंकि मिल्क थिसल लिखेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता इंडिया की मार्केट में, तो इसीलिए मिल्क थिसल लिवर डिटॉक्स बताया हुआ है। एक टैबलेट आप ले सकते हैं, मैं भी ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद एक टैबलेट लेता हूँ दिन में, आफ्टर हैविंग मील। तो ये मैंने अभी ऐड किया है फॉर माय गुड हेल्थ ऑफ माय लिवर। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं अब, दैट्स व्हाट
इट वॉज ऑल अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, डेंटल किट ले ली है। अब चलते हैं जिम, आज हमें करना है चेस्ट और ट्राइसेप्स, तो जाके करते हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ जिम पे। ऑलराइट गाइस, हियर वी आर एट द जिम, पहुँच गए हैं कल्ट जिम अगेन महालक्ष्मी राजा जी नगर बैंगलोर में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम लोग लगाने वाले हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, तो दैट्स इट, ट्राइसेप्स और चेस्ट लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट चेस्ट एंड देन फॉलोड बाय ट्राइसेप्स। स्टार्टिंग में वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉइंट मोबिलिटी वार्म अप, तो इसीलिए वार्म अप के लिए आज मैं तीन एक्सरसाइज चुन रहा हूँ, तीन मूवमेंट बॉडी मूवमेंट चूज़ कर रहा हूँ, जो कि है केटलबेल हेलो, अपना जो देसी वाला जो होता है वैसे करेंगे, उसके बाद इंच वॉर्म्स करेंगे, और थर्ड इज़ आर अपने बैक के लिए थोड़ा सा कैट एंड कैमल की मूवमेंट्स करेंगे, तो वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ बेंच प्रेस। वैसे स्मिथ मशीन के साथ करना था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पे स्मिथ मशीन नहीं है, सो वी विल गो विद द बेंच प्रेस, लेट्स गो विद इट। और गाइस, सो फर्स्ट एक्सरसाइज बेंच प्रेस एंड सेम दो सेट्स वार्म के लगाएंगे, एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट विद आवर फोर वर्किंग सेट्स। फर्स्ट वार्म के लिए 10, ठीक है ओलंपिक बेंच है, ओलंपिक बार है, 10 kg ऑफ बोथ दी साइड्स, लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट वार्म अप सेट बेंच प्रेस। Second warm set, 15-15 on both the sides. अपना फर्स्ट वर्किंग सेट जो कि सेम होने वाला है 15-15 kg ऑन बोथ द साइड्स, 50 kg के साथ ऑल इन टोटल। वाई दो वार्म सेट, इसीलिए क्योंकि हम पुशअप नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वार्म के दौरान, सो वार्म सेट इसीलिए लगा रहा हूँ, सो दैट मेरे जो मसल है पेक्टोरल मसल्स है वो रेडी हो जाए अपने जो वर्किंग सेट्स हैं उससे करने से पहले, तो इसीलिए दो वार्म सेट। नाउ वर्किंग सेट विद 15। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में मुझे फील हो रहा है कि यू नो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा बेस्ट। तो सेकेंड सेट 20-20 टोटल केजी 60s, लेट्स गो फॉर द सेकेंड सेट। तीन सेट्स हो गए, थर्ड सेट भी मैंने 60 kg के साथ ही किया है। इस जुकाम होने के बाद जब नोज जो मेरा ब्लॉक हुआ है ना, यू नो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग में थोड़ी सी
बट एक्सक्यूज़ नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है, इतना दूर आए हैं घर से, राजा जी नगर आए हैं भाई एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ तो बात है, कुछ तो बात ज़रूर होगी, राइट। अच्छा, और एक बात आपको ज़रूरी बतानी हो, मैं आपको वर्कआउट की बात बताऊँगा, क्योंकि अभी बताऊँगा तो फ्लो एकदम वर्कआउट का टूट जाएगा। थर्ड सेट हो चुका है, फोर्थ सेट करते हैं, तो फोर्थ सेट बढ़ा लेते हैं वेट, है ना, एंड टोटल हो गया 65-70 किलोज। ट्राई करते हैं, पहले भी किया है, दो तीन रेप्स निकलते थे, आज कोशिश करते हैं 6-7 रेप्स मारने की, है ना, नहीं होगा तो रख देंगे, डिक्रीज करेंगे। ईगो लिफ्ट नहीं करना है, एज आई ऑलवेज टॉक इन माई वीडियोज़, से इन माई वीडियोज़ कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, अगर नहीं हो रहा है ड्रॉप डाउन द वेट्स कम से करेंगे, करते हैं थोड़ा सा ट्राई, लेट्स गो। फिफ्थ रेप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फिफ्थ गया नहीं अच्छे से, ड्रॉप डाउन द वेट्स और पांच मारते हैं। हवा टाइट हो गई, बट गुड वन, निकाल दिया हमने बेंच प्रेस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी है, एंड मैं आपको बताता हूँ। All right. मैंने अभी जस्ट चेक किया, हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज़ अपनी चेस्ट प्रेस, जो कि हम मशीन में कर रहे हैं, तो हम डंबल से भी कर सकते थे बेंच पे, लेकिन ऑलरेडी हम जब बेंच प्रेस कर चुके हैं बाबल के साथ, तो मैंने डंबल के साथ नहीं किया। एंड जो एक्सरसाइज लिखी थी दैट इज़ मशीन चेस्ट प्रेस, तो हम मशीन के साथ चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं, उसके बाद है इंक्लाइन। तो मैं इसमें बहुत ही स्लोली स्लोली वेट इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया था मैंने 40 के साथ फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट इज़ 47, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल इंक्रीज द वेट। आप बिलीव करोगे, मैंने अभी फुटेज में अपनी वॉइस चेक की, जुकाम की वजह से वॉइस ऐसी हो गई है ना, इतनी फनी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, मतलब आवाज़ सही से आ रही है, बहुत फ़नी लग रही है, क्या लग रहा है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना, बिकॉज मुझे जो मैंने वीडियो में फुटेज में देखा वॉज रियली फ़नी। चलो थर्ड सेट लगा रहे, गो फॉर इट। फोर्थ सेट में तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, 54 किया था थर्ड सेट से, एंड फोर्थ वन उसमें मैंने 2.5 ये जो हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा वेट्स, इसको मैंने ऐड किया था, फोर रैप्स। सो अब हम जा रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेसेस करने के लिए, आ जाओ मेरे साथ, यहाँ रख देते हैं ट्राइपॉड को, ठीक है, अभी एंगल। Let's go.
वाली फिजिक अपडेट आपने देख ही लिया होगा, बीमार हूँ लेकिन फिर भी अभी इस कंडीशन पे है। 16 वीक्स के वर्कआउट प्रोग्राम नाउ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया है हमारा, जो कि एडवांस लेवल लीन मसल गेनिंग है। ऐसी कंडीशन है अभी, और अच्छी करेंगे और इम्प्रूव करेंगे, करते जाएंगे। 20 के साथ ही कर रहा हूँ। जो हम थर्ड एक्सरसाइज बेंच फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अपने चेस्ट के लिए, दैट वुड बी नाउ आइसोलेशंस। तो लाइट वेट डम्बल्स के साथ हम फ्लाइज करेंगे, इंक्लाइन फ्लाइज लगाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, इस फैसिलिटी में मैं इस जिम को यार इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ, मुझे ये फैसिलिटी जिम इतना अच्छा लगता है बिकॉज इसकी इक्विपमेंट्स और जो एम्बियंस है इट्स ऑन अनदर लेवल ओनली। तो टॉकिंग अबाउट द बेंच प्रेस, जो ये बेंच है आप देखो, ये है हैमर स्ट्रेंथ की बेंच और इतनी बड़ी सॉलिड है ना ये। मैं लाइफ फिटनेस की बेंचेस तो बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, बट दिस हैमर स्ट्रेंथ इज ऑन अनदर लेवल यार। हम लोग दो सेट लगा चुके हैं अपने इंक्लाइन फ्लाइज के, दो सेट लगा चुके हैं इंक्लाइन फ्लाइज के, थर्ड सेट 10 के साथ, फोर्थ सेट भी 10 के साथ ही करूँगा, बट रेपिटेशंस जो हैं हमारे वो 10 से 15 के बीच में रहेंगे। हाँ जी, तो हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज हो गई है पूरी, ठीक है। अब हम फटाफट से अपनी लगाएंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। ट्राइसेप्स में 3 एक्सरसाइज है, एक होगी फर्स्ट केबल ट्राइसेप पुश डाउन, देन डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन सीटेड बेंच पे लगाएंगे, अपराइट बेंच भी है हमारे पास तो उसमें करेंगे, एंड थर्ड वन वुड बी दी डंबल किक बैक्स। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट और फटाफट फिर घर चलते हैं। और एक ज़रूरी बात जो मैंने आपसे कही थी बतानी है वो मैं आपको बताता हूँ, चेंजिंग रूम में जाते हैं। Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. All right, guys. Quick update. Workout को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। Reason? बहुत ज़्यादा ठंडी, AC चल रहा है। मैंने मैनेजर को बीच में बताया था लेकिन सुना नहीं, मेरी नोज़ और ज़्यादा बह रही है, नाक ज़्यादा बह रही है, तो इसलिए मैं बहुत ठंडा फील कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट भी हो गया, 2 एक्सरसाइज रह रही थी हमारी, दैट वाज डंबल सीटेड एक्सटेंशंस एंड देन किक बैक्स, वो नहीं किया। लेकिन मैंने जो केबल ट्राइसेप पुश डाउन किया उसमें ऑलरेडी मेरा बर्न आउट हो चुका है, तो मैं घर चल रहा हूँ और अब मैं आपसे नीचे मिलता हूँ और आपसे जो ज़रूरी बातें करनी है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो। हाँ जी, तो मैं नीचे आ गया चेंजिंग रूम पे। मैं चेंजिंग रूम तो वैसे वहाँ पे है और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ फर्स्ट, पहले फिर बात करते हैं। ये देखिए आप, पूरी ग्रुप क्लासेस होती हैं यहाँ पे कल्ट की,
और मेरे जस्ट पीछे कार्डियो सेक्शन है, तो हम फटाफट से चेंज कर लेते हैं और चेंज करते करते बात करते हैं जी। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था डे टाइम पे जिम आने से पहले कि मेरा स्टैक ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और ऑलरेडी ऑन द वे है, बट इट इज़ डिलेड और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है क्योंकि, तो इसीलिए मैंने कहा था कि शायद मैं 2-3 दिन की जो सप्लाई है मैं वो ले लूँगा, तो मुझे कोई मतलब ऑप्शन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने फॉर फ्यू डेज़ मैंने ऑप्शन के लिए अपना ये आज हेल्थ कार्ड से लिया है, मसल बेस का फ्यूल 1 एंड दिस इज़ द स्टैक gonna be for next 25 days. 1 kg का है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिला है हेल्थ कार्ड से, तो आप भी ले सकते हैं, आप हेल्थ कार्ड की वेबसाइट से भी जाके ले सकते हैं, आप स्टोर से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको फिल करूँगा, एक स्कूप यहाँ पे डालूँगा एंड देन गुड टू गो, तब तक मेरा आराम से मेरा स्टैक भी आ जाएगा। तो दैट वॉज इट, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है रिगार्डलेस ऑफ माई वॉइस टूडे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद वन ऑफ योर फ्रेंड जो लाइफ में फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है या ऑलरेडी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर चुका है, लाइफ में कुछ करना चाहता है। आई विल सी यू इन अनदर फिटनेस ब्लॉग, फिटनेस लाइफस्टाइल ब्लॉग, फिटनेस टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट, चीयर्स, बाय बाय।